हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये रक्षाबंधन के दिन का ब्लॉग है और आज जन्माष्टमी है। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे दोनों सुबह सुबह तैयार हो गए थे। 19 अगस्त का ब्लॉग है ये, मुझे पता है। 19 से आज है 26, तो 7 दिन बाद आ रहा है ब्लॉग, मुझे पता है। सॉरी फॉर डिले। और मेरी भी खुद की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, यहाँ वायरल हो रहा है ना, मुझे भी हो गया है। हैप्पी रक्षाबंधन सबको। यस, सबके घर में मतलब खुशियाँ बनी रहे। मैं यही भगवान जी से प्रे करूँगी और सब लोग सारे भाई बहन ऐसे ही खुशी खुशी रहे और प्यार से रहे और लड़ते झगड़ते रहे, क्योंकि जहाँ लड़ाई नहीं वहाँ प्यार नहीं। यहाँ तो बहुत झगड़ा होता है भाई। यस, इसने नया ड्रेस पहना है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। इसका ये ड्रेस अभी अमेजोन से मैंने बाय करा था और वीडियो अभी इस शायद आ चुका होगा, वीडियो आपने वीडियो देख ही लिया होगा। ये इसी के लिए मंगवाया था। इसका दूसरा शेड मैंने मेरे लिए मंगवाया था। और ये बाय द वे रक्षाबंधन की जो ड्रेस है वो अवी की तरफ से गिफ्ट है। ये अवी की तरफ से रक्षाबंधन का तोहफा है प्रिशा को। और एक और ड्रेस अवी ने दी है, वो स्पेशल अवी ने पसंद करके मंगवाई है। वो लाके दिखाओ जल्दी से। और यहाँ हमारी भाभी आ गई है और हमारा दोनों का खूब झगड़ा भी हुआ है अभी और खूब लड़े हैं हम दोनों और अभी हंस रही है क्योंकि ये लेट हो गई थी आने में। मैंने इसको डांट दिया तो ये रो रही थी, ये हंस रही है अभी। इससे मेरा पैचअप हो गया है, इससे मैंने अपना पैचअप कर लिया है। और प्रिशा को ना अभी ने ना एक ड्रेस खुद से पसंद करके प्रिशा के लिए मंगवाई थी, वो अभी की चॉइस है, कम्प्लीटली अभी की चॉइस। उसने चॉइस किया था अपनी दीदी के लिए। सो ये दोनों आउटफिट अभी की तरफ से रक्षाबंधन का दीदी को गिफ्ट है। तो प्रिशा ले आओ बेटा, दूसरा आउटफिट ये है, ये मैं गणपति में पहनूंगी बिकॉज एकदम ऐसे गणपति जी वाइब्स है, इसीलिए। मतलब दोनों ड्रेस अभी के साइड से हैं, तो इसने ये लेवेंडर चूज किया आज के लिए। बहुत अच्छा है ये ना, कोऑर्ड टाइप है, कोऑर्ड सेट होते हैं ना वैसे है। और प्योर कॉटन है ये, कोई सिंथेटिक नहीं है, देखिए ये प्योर कॉटन है। फिर मैंने एक की जगह मैंने कहा दूसरी भी दे दे तू दीदी को अपनी तरफ से। तो ये अभी की गिफ्ट है और ये भी उनका गिफ्ट है। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, फर्स्ट फिगर गिफ्ट पहले ही मिल गया ना, राखी से पहले गिफ्ट मिल गया। क्यों? क्योंकि फिर पहनती क्या मैं। ये बहुत इसके ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने इसका दूसरा शेड लिया है, पिंक सा है मेरा, ऐसा पिंक कलर का मम्मा का है मेरा। मैं मम्मी को बोली वो पिंक पहनने को, पर पता नहीं मम्मी ने अजीब सा येलो सूट क्यों पहन लिया। अरे क्योंकि मैं हेयर कलर नहीं कर पाई, कल गेस्ट इतने आ गए थे घर में कि रात तक हम लोग टोटली ऑक्यूपाइड थे और मैं अपना कोई कलर वगैरह कुछ नहीं। बिजी चल रहे हम लोग, हमारा बहुत शेड्यूल बिजी है, कोई ना कोई गेस्ट, कोई ना कोई गेस्ट बिजी होने वाला है। क्यों आपको पता चलेगा बाद में, नॉट नाउ बट यस। और इसने गले में जो पहना है ना वो मोनिका और कुणाल लेके आए थे अंबाजी से हमारे लिए, जब गणपति दिया था ना उन्होंने गणपति गिफ्ट किए थे, जब गणपति मैंने आपको दिखाए भी थे वो वहां रखे हैं, तब उन्होंने ये हमारे लिए लेके आए थे। एक मेरा एक प्रिशा का, दोनों हड़प लिए इसने। आई लव सिल्वर ज्वेलरी के बारे में पहन ली और साथ में छोटी छोटी झुमकी, मैं बड़ी पहन सकती थी बट फिर ये भी था गले में इससे छोटी बहन। मैं तो बिल्कुल सिंपल रेडी हुई हूँ क्योंकि मेरा क्या हुआ पता है, कल हमारे यहाँ बहुत मेहमान थे और शाम कितने बजे से, 5 बजे से वो लोग यहाँ थे तो रात तक थे, और उसके बाद उनके बच्चे और ये लोग सब खाना खाने गए थे और हम गए फिर वो रक्षाबंधन की जो छोटी मोटी तैयारी रह जाती है वो पूरी करने, जिसके चलते मैं अपना हेयर कलर नहीं कर पाई। रक्षाबंधन पे मेरे आगे खूब ग्रेस दिखाई दे रहे हैं, मेरा प्लान था करने का। और सुबह में क्या हुआ पता है, स्कैम हो गया। किसी ने भी अलार्म नहीं रखा, सब ने ऐसे सोचा इसने रख दिया होगा, इसने रख दिया होगा, और किसी ने नहीं रखा और सुबह किसी की आंख नहीं खुली। और 9:30 बजे उठे हमें, 8 बजे और दीदी का फोन आ गया, इला दीदी का, मैं 10-11 बजे आ रही हूँ, तो अभी 11 बज रहे हैं, तो फिर ऐसे ही तैयार होना पड़ा, नहीं तो मैंने सोचा था सुबह में हेयर कलर करूंगी। जो मिला वो मेरे हाथ में जो आया वो पहन लिया। अभी मेरी चूड़ी वगैरह पहननी बाकी है, चूड़ी पहनती हूँ, नेल पेंट पेशा ने लगाया, मैंने रात सिर्फ शेव किए थे, मैंने कहा सुबह में लगाऊंगी, वो भी टाइम नहीं मिला। पापा आगे देखो बेटा, ओपन करो डोर। तो अभी मैं नेल पेंट बैठ के लगाती हूँ, चूड़ियाँ पहनती हूँ, खाना बनाना है, खाने में क्या बनाना है वो भी नहीं पता, कल मेहमानों की वजह से मैं छोले भिगोना भूल गई, बाकी छोले भिगोने बाकी नहीं। कोई डोर ओपन करो यार। फिलहाल तो मैंने ये ड्रेस पहना है, एक बहुत सुंदर सा ड्रेस है, ये मुझे पसंद है, येल्लो कलर वैसे भी शुभ होता है तो ये ड्रेस डाला हुआ है। चूड़ी शूड़ी पहनती हूँ, बनाती हूँ मैं खाना। और विवेक जी आ जाइए, सबको विश कर दीजिए रक्षाबंधन। ये क्या लेके आए दीदी बहन के लिए? क्या लाए हो? पेटीज और खबर। पेटीज और खबर हमारे लिए उपवास की पेटीज। हाँ ये मंडे का वैसे भी फास्ट करते हैं ना, यहाँ पे श्रावण चल रहे हैं ना। मेरी तरफ से और मेरी सुंदर सी बीवी की तरफ से आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। चलिए तो फिर मनाते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, आप सब भाई बहन ऐसे ही खुश रहे, सुखी रहे। मेरा भाई जहाँ भी है वहाँ बस देख रहा होगा शायद हमें और खुश हो रहा होगा, और बस वो खुश रहे जहाँ पे भी है। और आज मैं राखी बांधूंगी मेरे पप्पा को, लेकिन मुहूर्त आपको पता है 1:30 बजे के बाद का है, भद्रकाल चल रहा है ऐसा सुना है मैंने। तब क्या लोगों को पता था क्या? पहले सोशल मीडिया नहीं था, तब क्या कोई लोग पूछने जाते थे कि आज भद्रकाल है, कौन सा काल है,
मुझे ऐसे दो शॉपकीपर ने बोला, बोला एक तो बहन आती है साल में एक बार, वहाँ भी मुहूर्त देखने जाए तो कोई मुहूर्त आप बनवा लो फिर, ऐसा मैं दूर से आ रही है ना, वो दूर से आ रही है। चलो तो एक काम करते हैं, इनकी तो बनवा देते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कह रहे थे इन्होंने, किसी अपने फ्रेंड से पूछा था जो पंडित भी है, तो उन्होंने बोला भद्रकाल है तो अवॉइड करो, लेकिन फिर दीदी इतनी दूर से आ रही है, देखते क्या करते हैं। बट मैं जब हम घर पे हैं, हमें तो कहीं जाना नहीं है, तो फिर मैं 1:32 को भद्रकाल खत्म हो रहा है दोपहर को, फिर मैं पापा को राखी बांधूंगी और प्रिशा अभी को राखी बांधेगी, तब तक मैं बनाऊंगी खाना वगैरह, और अभी चाय नाश्ता भी है। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं सारे काम। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो फटाफट से मैंने मीनवाइल बना लिया था खाना, सब्जी बना के रख दी थी मैंने, आलू की झोल बनाते ना दिल्ली साइड वो, और थोड़े बहुत ये बना दिए थे भिंडी फ्राई बनाते हैं ना वो बना दिए थे, और थोड़े से भिंडे थे घर में, और यहाँ पे दीदी और दीदी का बेटा और दीदी के भाई का बेटा, ये तीन लोग आए थे, उनके भी घर में सबको वायरल हो रखा है, यहाँ पे गुजरात में इतना वायरल हो रहा है मैं क्या बताऊँ आपको। तो प्रिशा थाली सजा रही थी और दीदी को बोला वैसे, लेकिन दीदी बोले कि नहीं मैं तो बांधूंगी, क्योंकि कुछ लोग भद्रकाल वगैरह मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते, नहीं फॉलो करते, तो दीदी फॉलो नहीं करती हैं। बोली लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, याद है लास्ट ईयर भी रक्षाबंधन में कुछ रात को ऐसे था मुहूर्त, तो दीदी राखी दे के चले गए थे, तो इस बार बोले मुझे बांधनी है। और ये वही दीदी हैं, याद है आपको, जिनको हार्ट अटैक आया था, नाउ शी इज़ ऑल राइट, एकदम परफेक्ट है, और उनका हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आया है। और इन लोगों का ये भाई बहन का रिश्ता बचपन से चला आ रहा है, मेरी ननद का और विवेक का, और मेरी रियल ननद की राखी राखी तब तक नहीं पहुंची थी जब तक ये राखी बंधी, उसके बाद भी नहीं आई है, मतलब जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ जन्माष्टमी का दिन है, आज भी नहीं पहुंची है उनकी राखी। आप बताओ ऐसी कैसी राखी भेजी उन्होंने कि जो जन्माष्टमी तक भी नहीं पहुँच रही है, आप सोचो। हैप्पी जन्माष्टमी सभी को, बधाई हो। और आज के दिन मैं काफ़ी बीमार थी, जन्माष्टमी के दिन मुझे बुखार है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ फीवर है, मुझे भी वायरल हो गया है, और इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटा सा मैंने ये बनाया है, शॉर्ट बनाया है जन्माष्टमी का, और कुछ नहीं बनाया। दोपहर तक मैं ठीक थी जन्माष्टमी के दिन, मतलब कल के दिन, येस्टरडे, मतलब जब कृष्ण जन्म हमने किया है, हम लोग कृष्ण जन्म तब करते हैं जब उनका एक्चुअल में जन्म हुआ था, उस दिन दोपहर तक मैं ठीक थी, दोपहर बाद मेरे को फीवर और ये सब हो गया था। तो दीदी ने मुझे राखी बांधी, और यहाँ पे पूरी बननी बाकी थी, तो मीनाक्षी आ चुकी थी, पूरी ही बनती है आज के दिन, तो मतलब रक्षाबंधन के दिन तो पूरी ही बनती है। तो आप ऐसे मत सोचना जन्माष्टमी का, जैसे किसी ने लिखा भी है कि उसका व्लॉग भी फिर बहुत लेट आएगा, तो मैंने बनाया ही नहीं है इसीलिए व्लॉग, मैंने सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो बनाया, दो शॉर्ट वीडियो बनाए, वो मैं डाल दूंगी। और इसके अलावा तो लाइक यही कुछ दो चार ही व्लॉग बने हैं रक्षाबंधन के बाद, जो कि 19 तारीख से लेके और अब तक बने हैं 26 तक, वही बने हैं। आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कोई व्लॉग करा भी नहीं मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। थैंक यू जिसके भी कमेंट्स हैं, और एक किसी ने कमेंट किया है दीदी मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने कॉल नहीं किया, तबीयत कैसी है प्रिशा की? प्रिशा की तबीयत ठीक है, अब मेरी ख़राब हो गई है, मुझे सर्दी जुकाम और बुखार हो गया है, और सॉरी मैं कर लूँगी कॉल, बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है, भूल जाती हूँ। ये जो कुछ पैकेट है ये दीदी लाए हैं, दीदी जा चुके हैं, नाश्ता उनको करा दिया हमने, क्या क्या खिलाया, खमन पैटीज़, चाय, वो खाना नहीं खाती बाकी खाना बना हुआ है। गाइस हम लोग अलार्म लगाना भूल गए थे आपको सच्ची बताओ तो, इसके लिए हम बहुत लेट उठे, और फिर तरह दीदी आ गई, बाकी दीदी 12-1 बजे आती है ना। हाँ। हमारी राखी की, क्योंकि भद्रकाल जो है वो 1:32 को खत्म हो रहा है, तो अब हम हमारी राखी मनाएंगे। मैं जा रही हूँ गणपति बप्पा को स्नान कराने, दीदी ने लगाया ये टीका मुझे, और स्नान करा के फिर उनको राखी वगैरह बांधती हूँ, फिर बच्चों की राखी होगी। विवेक और प्रिशा बाहर गए हैं कुछ 2-3 चीजें लेने के लिए, दीदी जस्ट अभी गई है 1 बजे। ये मैंने नेल पेंट लगा लिया था, जूडियो वाला है ये, पिंक वाला। फाइनली द मोमेंट जिसकी मैं राह देखती हूँ, और मैं एक्चुअली जब राखी बांधने बैठी तो लाइट चली गई, रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे बारिश थी, और जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जन्माष्टमी का दिन, उस दिन आप लगा लो परसों से यहाँ पे, मतलब करंटली जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यानी कि 26 अगस्त, तो 25 अगस्त और 26 अगस्त गुजरात में बहुत ही ख़राब वेदर है साउथ गुजरात में, अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो। राइट नाउ इतनी गंदी यहाँ पे हवा चल रही है, इतनी गंदी बारिश है, शायद इसी वजह से मैं बीमार हो गई, क्योंकि कल मैं गई थी बाहर और मैं भीग गई थोड़ी सी ना, और कहाँ गई थी वो मैं व्लॉग फटाफट डालूंगी तो आपको देखने मिल जाएगा मैं कहाँ गई थी। प्रिशा के एक कॉलेज में एक पार्टी थी जहाँ मैं गई थी, जिस वजह से मैं भीग गई थी, और मुझे वहाँ इनविटेशन था तो जाना पड़ा था। आप लोग भी दर्शन कर लो, मैंने पापा को दूध से स्नान करवाया है, और उसके बाद मैं बांध रही हूँ इनको राखी। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं है जो इंसान के रूप में था, लेकिन भगवान के रूप में जिसको मैंने भाई बनाया है, मेरे गणपति पापा, वो तो हमेशा अमर हैं, और मेरा प्यार भी उनके लिए अमर रहेगा। और मुझे पता है जितनी भी बहनें अपने भाइयों का राखी बांधती हैं और अपने भाइयों को प्यार करती हैं, उनका प्यार भी हमेशा अमर है, अमर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने राखी बांध ली है और भोग चढ़ा दिया है,
और अब चलिए मैं थोड़ी देर में इस व्लॉग को एंड करूँगी। काजू कतरी लगाई थी मैंने भोग में भगवान को, और करवा चौथ की थाली ही निकाली थी, यही एक थाली है डेकोरेटिव सी मेरे पास, और यहाँ पे दोनों बैठ गए थे। अरे वाह, कितने सारे चावल चुके। इतने प्यारे लग रहे थे दोनों, इतने प्यारे लग रहे थे। पता है रक्षाबंधन के दिन मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर करा था, अगर आपने देखा हो, ए वाला कुर्ता सलवार प्रशा ने पहना है, कुर्ता ट्राउज़र का सेट है, दुपट्टे का कॉटन का है, अमेजन का है, तो वो मैंने शेयर तभी कर दिया था। और जन्माष्टमी का शॉर्ट्स भी मैं आज ही शेयर कर दूँगी, क्योंकि वो तो शॉर्ट वीडियो है, उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं रहता है। तो इन दोनों को देखती हूँ ना तो अपना बचपन याद आ जाता है, कितने प्यारे लग रहे हैं। और आज के दिन मुझे मेरी बड़ी बेटी की बहुत याद आती है, एक वही नहीं राखी बांध पाती भाई को। हे गाइस, अभी शाम हो गई है, रक्षाबंधन की शाम है ये, और दिन में आराम किया हम लोगों ने, थोड़ी देर ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला। अभी जा रहे हैं हम दोनों पति पत्नी, प्रिशा की दवाई ख़त्म हो गई है तो वो लेने के लिए मेडिकल स्टोर जा रहे हैं। शाम को डिनर विनर कुछ बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रिशा का थोड़ा सा गला गड़बड़ है, तो जिसके चलते बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, मतलब कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं। तो अभी हम लोग ऐसे ही बस जस्ट, अगर बच्चे साथ में आएंगे तो राउंड लगा के आ जाएंगे, नहीं तो फिर दवाई लेके वापस आ जाएंगे। और बस यही हमारा था आज, बस इतना ही। रक्षाबंधन पे वैसे बहुत सारे लोग यहाँ बाहर डिनर वगैरह करने जाते हैं, दीदी ने राखी बांधी वो है, लेकिन हम लोग नहीं जाते क्योंकि आज के दिन एक तो भीड़ बहुत होती है हर जगह पर यहाँ पर, क्योंकि गुजरात में ना ये सिस्टम ही है कि रक्षाबंधन के दिन सभी निकल जाते हैं बाहर, मतलब डिनर करने के लिए। इतनी भीड़ मिलती है हर जगह, इतनी भीड़ मिलती है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सीट नहीं मिलती, टेबल नहीं मिलती, और खाना का जो फूड क्वालिटी होती है वो भी नहीं मिलती, क्योंकि ज़्यादा रश होता है तो फिर फूड क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते वो लोग। सो यहीं पे मैं व्लॉग एंड करती हूँ आज का रक्षाबंधन का। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। दोनों भाई बहनों ने खूब इन्जॉय किया, और अवि ने शगन दिया है अपनी बहन को, और साथ में जो सूट्स दिए वो मैंने आपको दिखा दिए, और विवेक ने भी अपनी सिस्टर को शगन दिया। और विवेक की रियल सिस्टर जो है पिंकी दीदी, उनका फ़ोन आया था, पूछ रही थी राखी है या नहीं, लेकिन नहीं पहुंची, फिर क्या करें। उनकी बेटी सोनू भी विश की है अभी को फ़ोन पे। हैप्पी रक्षाबंधन, यही अपडेट्स थे। और मेरा भाई तो अब दुनिया में है नहीं, आज उसे काफ़ी मिस किया, मैंने रील भी डाली थी। लव यू गाइज, एंड बाय बाय।